उन्होंने व्हाट्सएप में लिखकर भेजा। प्रश्न उनका काफ़ी लंबा है, तो मैं वो प्रश्न का पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद इसके उत्तर पर हम अपनी दृष्टि डालेंगे। तो उन्होंने लिखा है, पूरे के पूरे प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने लिखा है, देखिए ये है उनका लंबा सा प्रश्न, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है ये। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, मैंने आपका चेतना जीव जीवात्मा वाला वीडियो देखा, उसे देखकर मुझे बहुत ज्ञान मिला। उसमें जो आपने प्रकृति और परमात्मा के संसर्ग से जीव की उत्पत्ति होना बताया है, उससे सुनने के बाद मेरे मन में यह प्रश्न आया है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, क्षमा करना गुरुजी। आदमी जब खाना खाता है तो उससे पहले खून बनता है और फिर सेल्स बनते हैं, और सेल्स ही विभाजित होकर शुक्राणु बनते हैं, और एक इंसान के शरीर में एक दिन में करीब 1.5 करोड़ शुक्राणु बनते हैं, और एक बार संभोग करते वक्त करीब 10 करोड़ शुक्राणु रिलीज होते हैं, और सारे शुक्राणुओं में जीवात्मा होता है, और उनमें से ही एक शुक्राणु गर्भ में जाकर शरीर का निर्माण करता है, और करीब इसी तरह से ही सारे थलचर नवचर व जलचर जीवों का निर्माण हो रहा है। गुरुजी, जब शरीर के अंदर ही सेल से विभाजित होकर शुक्राणु रूपी जीवात्मा बन रहे हैं, तो इसमें प्रकृति और परमात्मा का संसर्ग कहाँ होता है, और एक कर्मों का सिद्धांत कहाँ से आया? ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने मानव समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही कर्मों का सिद्धांत बनाया होगा। जो जीवित रहते तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद जीवात्मा कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, यह पता कैसे चले? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बीज में से वृक्ष बनने के बाद उसके ऊपर नए बीज तो बनते हैं, लेकिन वृक्ष काटने के बाद अच्छा वही बीज दोबारा वृक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि वह पहली बार वृक्ष बनाने में ही नष्ट हो जाता है। और जैसे समुद्र में बुलबुले बनते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, और जैसे हवा चलती है वैसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन एक बार बुलबुला फूटने के बाद ना तो उसे कोई ढूंढ सकता है और न ही वह दोबारा बन सकता है, क्योंकि वह समुद्र में ही मिल जाता है। यही हाल जीवात्मा का होता होगा। गुरुजी, इस सत्य को जानने की मेरी बचपन की अभिलाषा है, कृपया इस सत्य को समझाने की कृपया करें, आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। प्रश्न वाकई काफ़ी लंबा है, इसको बंद कर दीजिए। तो चलिए, ये रहा उनका प्रश्न। वास्तव में प्रश्न काफ़ी लंबा है, लेकिन काफ़ी रोमांचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं बहुत खुश हूँ आपके ये प्रश्न पढ़कर, क्योंकि आपके मन में ऐसा प्रश्न की उत्पत्ति हुई, और आपने मेरी जो वीडियो देखा, जीव जीवात्मा आत्मा परमात्मा, वो वीडियो देखने के बाद आप एक स्टेप आगे जाकर इसको पकड़े हैं। चलिए, अब मेरी ध्यान इस प्रश्न के उत्तर की ओर क्या है, देखते हैं। ये प्रश्न पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्रश्न है बहुत स्थूल प्रश्न है, यानी कि बहुत स्थूल प्रश्न है। इसलिए स्थूल प्रश्न कह रहा हूँ, कि आप कह रहे हैं जब हम खाना खाते हैं तो उसे खून बनता है, खून से सेल्स बनते हैं, और हर एक सेल जो है जीवात्मा है, फिर एक दिन में 1.5 करोड़ सेल्स बनते हैं, और एक बार कोई संभोग करता है तो 10 करोड़ वीर्य रिलीज होते हैं, 10 करोड़ वीर्य में से 10 करोड़ शुक्राणु रिलीज होते हैं, तो उसमें से एक जो एम्ब्रियो है, एक शुक्राणु स्त्री के अंडकोश में प्रवेश करता है,
और उसी से फिर वो शरीर बनता है। इस तरीका तो सेल्स कितने बनते हैं, और से हर सेल जीवात्मा ही है, हर सेल जीवात्मा है। तो जो अंडकोश में जा रहा है वो फिर शरीर धारण कर ले रहा है। काफी गहरा प्रश्न भी है, बड़ा स्थूल है लेकिन गहरा प्रश्न है। हो सकता है मैं इसको उत्तर जब देने जाऊंगा तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बट यू ऑल्सो पे योर अटेंशन टू अंडरस्टैंड। पहली बात ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये स्थूल मैंने क्यों कहा, स्थूल प्रश्न। हम जब बात करते हैं आत्मा जीवात्मा, तो हम एक कंसियसनेस की बात करते हैं। अब ये जो प्रश्न है ये स्थूल जगत का प्रश्न है। खाना से खून बनना, खून से सेल्स बनना, फिर वो सेल्स हमारे शरीर में, फिर उनमें सेल्स में वही जीवात्मा है, वही जीवन है। इसी तरह से नभचर, थलचर, जलचर, सारे जो क्रिएचर्स है उनकी वृद्धि ऐसे ही होती जा रही है। इसलिए कहा स्थूल कि आपकी जो बुद्धि है अभी भी कहाँ पे अटकी है, ये सेल में, ये शरीर में, खून में और खाना में। जब एक योगी होता है, जब एक सुपर मेडिटेटर होता है, एक इनलाइटेंड जो पुरुष होता है, वो इनसे बहुत परे चला जाता है। वो ये पता करता है कि हम जो खाना खाया तो ये खाना कहाँ से आया, तो खाना प्रकृति में से आया, वो कहाँ से आया, जीवन कहाँ पे आया, पहले जल में आया, ये जल कहाँ से आ गया, पंच तत्वों के फिलोसफी में, तो पंच तत्व कहाँ से आया, पंच तत्वों के पहले क्या था। वो पहुँचते पहुँचते मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस पे पहुँचता है, यानी कि समग्र जो चेतना जो व्यक्त हो रहा है, जो अभिव्यक्ति है, वहाँ तक पहुँचता है। उसके परे के भी अवस्था पहुंचता है कि ये मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस के परे क्या है, ये कहां से आ गया। तो अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस तक वो पहुंचता है। फिर आप कहां पे अभी, खाना पे। वो खाना भी कहां से आया, और जो खाना आपने खाया वही खाना आपके पास क्यों आया, उसका कारण क्या है। कोई कारण होता है तभी तो क्रिया होती है। तो खाना आपके पास वो क्यों आया, वही खाना क्यों आया, और वही खाना खाकर उसी दिन आपके मन में ऐसा क्यों एक फील्ड तैयार हुआ संभोग करने के लिए, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप करने के लिए। वैसा मेंटालिटी, वैसा एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना आपके अंदर, और उसी दिन आपने संभोग किया तो उसमें से वही एम्ब्रियो क्यों प्रवेश किया, और वही एम्ब्रियो क्यों बात जाकर वो बच्चा बनता है फिर एक। ये तो बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन योगी जो है वो तो हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके हर पैनी चीज़ों पे पैनी दृष्टि होती है। टाइनी अटेंशन टू एवरी स्मॉल डिटेल, वो बहुत मेटिकुलस होता है। और सिर्फ इसी शरीर और सेल्स में ही अटका हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए वो पूरे की पूरे समग्र जो चर अचर जगत है, दृष्टिगोचर जो जगत है, जो व्यक्त अव्यक्त जो जगत है, इन सारे चीज़ों को वो समझने के लिए कोशिश करता है। आज वैज्ञानिक ये जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड है वो 5% ही मैटर वो जान पाए हैं। 95% डार्क एनर्जी है, और वो डार्क एनर्जी क्या है उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं है, लेकिन आज तक पकड़ में नहीं आता है कि वो है क्या, लेकिन वो है। लेस देन 1% आज साइंस ने इस ब्रह्मांड के रहस्य को पता कर पाया, लेस देन 1%, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत कुछ अभी बाकी है।
95% इसके बारे में जानता ही नहीं है, लेकिन वो है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में आज तक किसी ने भी कुछ कुछ अपने अपने थ्योरी देते हैं, बट एग्जैक्ट कोई बता नहीं पाते। एक योगी है, वो क्या करता है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, कोई भी मार्ग से जाए, वो अपने ओरिजिन, जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, तो आप कहाँ से आ गए यहाँ पर, आपकी ओरिजिन क्या है, आपकी स्वरूप कहाँ है। क्योंकि आज विज्ञान भी इस प्रकष्ठा पे पहुंच चुका है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, जो कुछ भी यहाँ पर है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक योगी जो है उस कनेक्टेडनेस को, इंटरकनेक्टेडनेस तक पहुंच जाता है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर मीन्स अ योगी रीचेस दैट पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस व्हिच इज द यूनियन ऑफ द होल एग्जिस्टेंस दैट यू कैन सी और यू कैनॉट सी, विजिबल और इनविजिबल, वहाँ तक पहुँचता है। और वो जो एम्प्टीनेस है, महाशून्यता है, वहाँ तक पहुँचता है। थोड़ी सी और इस तरीके से बता रहा हूँ, ये जैसे मोबाइल आप देख रहे हैं, ये जो मेरे कुर्ता है, पृथ्वी या ब्रह्मांड के कोई भी एक छोटे से कण को उठा लो आप, उसको तोड़ते फाड़ते जब जाएंगे, एक मैटर को तोड़ते फाड़ते जाएंगे, जब एटम को, तो आपको पूरे पार्टिकल्स पार्टिकल्स तोड़ते थे, तो उन पार्टिकल्स को भी तोड़ते जाएंगे, तो अंत में आप कहाँ पे पहुँचेंगे, स्पेस। वो स्थूल जो मैटर है, पार्टिकल लेवल पे भी उसको तोड़ते तोड़ते वेब फॉर्म में से अंत में क्या उसका होगा, स्पेस, एम्प्टीनेस। तो ये जो कैमरा आज यहाँ पे है, ये कैमरा भी एटम से ही बना हुआ, हमारा शरीर भी एटम से ही बना हुआ है, लेकिन इन सब का अंतिम अवस्था जो है वो होता है एम्प्टीनेस। तो एक योगी उस एम्प्टीनेस तक पहुंच लेता है, और वो एम्प्टीनेस कहते हैं, लेकिन वो है चैतन्य। और चैतन्य होने के कारण ये पूरी जड़ पदार्थ प्रकृति नामक वस्तु चैतन्य लगती है, उस परम चेतना के कारण ये प्रकृति भी चैतन्य लगती है। एक बीज अंकुरित हो रहा है, बढ़ रहा है, फल फूल लग रहे हैं, सारे चर अचर जगत आप देखोगे सब चैतन्य लग रहा है, लेकिन प्रकृति जो है मूल रूप से ये जड़ है। तो उस चैतन्य के होने के कारण उसकी, वो चैतन्य है तो उसकी चेतना प्रवाहित हो रही है, जिसके वजह से ये पूरे जड़ पदार्थ वस्तु भी चैतन्य लगता है। तो इन सारी चीज़ों को एक योगी समझता है, वो सिर्फ एक सेल में जीवात्मा तक नहीं अटकता है। हम इस पे भी और आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको ये तो मैंने बताया कि वो खाना कहाँ से आया, क्यों आया, उसका कारण क्या है, वही क्यों खाया, वैसे ही आपका मन में ऐसा विचार क्यों आया, वो विचार कहाँ से उत्पन्न हुए संभोग करने के लिए, वही एम्ब्रियो क्यों गया स्त्री के अंडकोश में, वही बच्चा क्यों बड़ा हुआ, फिर जाके क्यों आगे मर भी जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, बचता भी है, अनेक चीज़ें हो रही है प्रकृति में, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर, जो कि ये पंच इंद्रियों के बस में नहीं है इन सारी चीज़ों को समझना। बट ईच एंड एवरी थिंग इज वर्किंग परफेक्टली इन द सिस्टम ऑफ द नेचर। देखिए, जब एक शुक्राणु जब प्रवेश किया, तो उस शुक्राणु के प्रवेश करने तक उसके आगे भी बहुत हजारों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उस शुक्राणु को उस स्त्री के अंडकोश में जाने के लिए हजारों घटनाएं जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये है, बिना कारण ऐसा नहीं होगा, कारण है, हर क्रिया के लिए कारण का होना आवश्यक है ही। जब वो शुक्राणु गया, चाहे वो अन्न से बने,
अन्न से रक्त बना, रक्त से वो सेल बना, उस उन सेलों से फिर ये शुक्राणु जो बनते हैं। तो शुक्राणु जो बनते हैं तो उसके प्रोसेस क्या, अन्न से, अन्न कहाँ से आई, प्रकृति से। तो प्रकृति की मूल अवस्था सत रजस तमस, अब वो सत रजस तमस तक पहुंचता है, सत रजस तमस के अंतिम अवस्था तक पहुंचता है वो। उतनी सारी चीजों को वो पता करता है। अच्छा, तो जब वो शुक्राणु स्त्री के अंडकोष में जब जाता है तो धीरे धीरे उसके गर्भ में वो बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड बिटवीन समवेयर 10 वीक्स एंड 12 वीक्स, 10 और 12 महीने के बीच इस पीरियड में उस बच्चे के बहुत सारे अंग डेवलप हो जाते हैं, उसके लंग्स डेवलप हो जाता है, और इस पीरियड में वो बच्चा श्वास लेना भी स्टार्ट करता है। आप सभी को पता है कि उसके एम्बली कोड माँ के नाभि से कनेक्टेड होता है, जिसके जरिए वो न्यूट्रिशंस लेता है, तो उसके जरिए फिर वो श्वास लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सारे अंग धीरे धीरे डेवलप होते हैं, उसके लंग्स, उसके हार्ट, ये सब सारी चीज़ें। तब वो श्वास लेना स्टार्ट होता है, और जैसे श्वास लेना स्टार्ट होता है तो इसी पीरियड उसके बॉडी में कुछ मूवमेंट्स आते हैं, थोड़ा हिलाना डुलाना स्टार्ट करता है। और इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री एंड यू विल सी सम शास्त्रस वेयर इट इज रिटन वेरी क्लियरली दैट, बट देयर दे हैव मेंशन द वर्ड सोल, आत्मा, जीवात्मा, कि बहुत गहरे टॉपिक को मैं टच कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा, कि 35 से 42 दिन और कुछ शास्त्रों में मिल जाएगा आपको 48 दिन के अंदर, मतलब जैसे 35 दिन होता है उसके बाद और 42 दिन के आफ्टर 35 डेज कहीं मिल जाएगा, 40 डेज के बाद वो जीवात्मा एंटर करता है वहाँ से, कहीं जैसे जीवात्मा उड़ के आया, जिसे आपको वीडियो जोडियोज में देखने को मिलता है, कहीं से उड़ के आया और वो आत्मा मतलब एंटर किया, मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मैं शास्त्रों की बातें बता रहा हूँ, उड़ के आया और वो एंटर किया, और वो करीबन लगभग 3 महीने तक रहता है, वो देखता है बॉडी को, गर्भ को, सब चीज़ को, अपने शरीर को देखता है कि ये सक्षम है या नहीं, मेरे रहने का ये जो स्थान है ये ठीक ठाक है या नहीं। जब उसको सब ठीक ठाक रहता है तो वो बाद में कंटिन्यू कर लेता है उस बॉडी में अपने जानने को, अपनी यात्रा को। ये शास्त्र की कही हुई बात आपको मैं कह रहा हूँ। अब ये इतनी सूक्ष्म बातें उन ऋषि मुनियों या योगियों को कैसे पता चला? देखिए, पता चलने के 2 कारण हो सकते हैं। पहली बात है, जैसे आज विज्ञान कहता है, गर्भ विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, या बच्चे से रिलेटेड कब श्वास लेता है, तो इसमें भी कहते हैं क्या, बिटवीन 10 वीक्स और समवेयर 12 वीक्स के बीच में। तो आप हिसाब कर लीजिए, अगर 10 सप्ताह यानी कि 70 दिन, 12 वीक्स, 12 × 7, 84 डेज, लगभग वही ड्यूरेशन निकल गई आपका। तो इस ड्यूरेशन में बच्चा, बेबी जो है श्वास लेना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा हिलना डोलना मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो हो सकता है उस वक्त के योगियों ने किसी स्त्री के गर्भ में ऐसा किसी तरीके से, मान लीजिए, या स्त्री ही कोई पता किया होगा कि ये कब से हिल रहा है, कब से श्वास लेना हो रहा है, या किसी भी जरिए उन्होंने पता किया। एनीवे, लगभग ये एक ड्यूरेशन जो है बिल्कुल सही सटीक मिल रहा है। अब रही बात, हो सकता है उन्होंने एक स्त्री से पूछ कर पता किया होगा कि कब से हिलना डोलना स्टार्ट किया, तो उनको जब पता हुआ होगा, एहसास हुआ होगा कि हाँ ये थोड़ा सा मूवमेंट पता चल रहा है, तो उन्होंने ड्यूरेशन 10, 20, 30 स्त्रियों को एक साथ उन्होंने सर्वे किया होगा, पूछा होगा, परीक्षाएँ ली होगी, इन्वेस्टिगेट किए होंगे, तो उनको ये देखा होगा कि कॉमनली क्या मिल रहा है, करीबन 3 महीने के अंदर उसके हिलना डोलना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है अब वो जीवन जो है यहाँ से पूरा रूप से जीवात्मा जो है उस बॉडी को अब धारण कर लिया है, उसमें रहने वाला है, आत्मा मतलब उसमें फिट हो गया, मतलब
वो आगे कंटिन्यू करेगा, ऐसा कुछ पता किया होगा उन लोगों ने। और विज्ञान भी यही ड्यूरेशन कह रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। अब बात रही जीवात्मा की, अगर मेरी दृष्टि अगर जीवात्मा परिवेश ऐसा कहीं से उड़ के आती है करती है, तो मुझे तो अभी तक ये पता नहीं चला कि कहीं से जीवात्मा ऐसे उड़ के आती है फिर उड़ के निकल जाता है। तो फिर अगर ऐसा कहेंगे कि नहीं जीवात्मा जो है अगर उड़ के नहीं आता, उड़ के नहीं निकलता है, तो कोई आदमी जब मरता है तो बताइए वो आदमी के शरीर से क्या निकल गया कि वो बोलना, अभी अभी ये मुख बोल रहा था, आँख जो देख रही थी, कान सुन रहा था, सब कुछ बंद हो गया, शरीर हट्टे कट्ठे अभी पड़े हुए हैं, निकल के आ गया फिर कि शरीर रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया। वाट वॉज दैट, कुछ तो था बॉडी में जो निकलने के बाद ये बॉडी डेड हो गया, तो ये फिर क्या था? तो इससे भी लोग अंदाज़ा लगाया कि वो जो जीव निकल गया वो आत्मा निकल गया अपनी यात्रा पे और ये शरीर रह गया। लेकिन मेरी सवाल ये है, तो इस शरीर में तो बहुत सारे सेल्स अभी भी है। आपने जो कहा था कि खाना खाने से, मान लीजिए जीवात्मा निकल गया, और आपने ये सही बात कहा था कि खाना खाने से क्या है कि सेल्स बनते हैं, रक्त बनते हैं सेल्स, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि कुछ निकल गया तब ये तो सेल्स तो अभी भी पड़े हैं और सेल्स ही जीवात्मा है आप कह दिए। अब जीवात्मा तो अगर मैं कहूँ तो पूरी आपके आसपास जो दिख रही है नहीं दिख रही है, हर चीज़ें बहुत सारी, ये सब जीवन ही है, जीवात्मा ही है, हर जगह जीव सर्वत्र फैले हुए हैं जीव। तो लेकिन बात यह है कि क्या निकल गया, अभी उनके सेल्स तो है, अगर वो सेल ही जीवात्मा है तो सेल्स के तो पूरे बॉडी ही पड़ा हुआ है, उसके समूह ही पड़ा हुआ है, तो व्हाट वाज दैट। तो इसको मैंने पकड़ा, बहुत इस पर ध्यान किया, निकला क्या समझ लेना है। जब योगियों ने कहा पहले कि 3 महीना में पूरे गर्भ में वो जब तैयार हो जाता है आगे की जर्नी, या 40-45 दिन के बाद वो आत्मा एंटर करता है, और 3 महीना के उन्होंने इतने सटीक ड्यूरेशन को कैसे पकड़ा, तो हो सकता है कि जब उसके मूवमेंट गति कुछ देखा उस बच्चे को, बात समझ नहीं, और श्वास लिया तब गति, तो श्वास जब लिया तो बच्चे का करीबन 60-70 या 90 दिन के अंदर वो श्वास लेना स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी बच्चे का थोड़ा कम ज़्यादा समय भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। तो जो श्वास लिया, समझना है, हम जो पंच वायु कहते हैं यौगिक सिस्टम में पंच वायु, वो जैसे ही वायु प्रवेश करना स्टार्ट किया, यानी कि प्राण तत्व प्राण वायु, तो प्राण वायु जैसे प्रवेश करना उसके स्टार्ट किया, उसके एम्ब्लिकॉर्ड और माँ के नाभि से जो कनेक्टेड है, तब भी ये पॉसिबल हुआ उसके शरीर में भी कुछ मूवमेंट्स, तब तक उसकी बॉडी बायोलॉजिकली उसके माँ के नाभि से कनेक्टेड था, तो डेवलप हो रहे थे, विकास की प्रक्रिया में था, वो बॉडी बढ़ रहा है। लेकिन उस बॉडी के अंदर जैसे श्वास की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जैसे लंग्स बन गए पूरे तरह से और लंग्स सक्षम हो गए श्वास को लेने के लिए, तो मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, और आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, यानी कि मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यानी कि पता क्या होगा कि आत्मा पर जो है जीवात्मा पूरी तरह से वो उसमें फिट हो गया, प्रवेश कर गया है, क्योंकि हिलन डुलन स्टार्ट हो गया, जैसे श्वास लेना स्टार्ट हो गया तो हिलन डुलन स्टार्ट हो गया। और ये जो श्वास लेने की प्रक्रिया, श्वास ही जीवन है, मान लीजिए अगर देखा जाए तो श्वास, आप लोग बैठे हैं अभी, आप श्वास ले रहे हैं यानी कि ये जीवन है, श्वास छोड़ रहे हैं यानी कि ये मृत्यु है। ये श्वास आई फिर चली गई, ये श्वास नहीं आई दोबारा, श्वास आपने जो लिया ये श्वास चला गया, आया ही नहीं, तो ये बॉडी डेड हो गया या नहीं हो गया? हेलो, वेरी साइंटिफिकली देखो इसको, आप जो ब्रेथ लिया ये ब्रेथ गया आया ही नहीं, तो ये बॉडी, योर बॉडी इज गोइंग टू बी डिक्लेयर एज द डेड बॉडी, गॉट द पॉइंट? तो खेल क्या है, जीवात्मा को बहुत क्लियरली हम समझेंगे, पहले ही आप वाई को समझो, इस प्राण को समझो, इस ये प्राण जो है प्राण वायु है, इसके वजह से ही ये शरीर जो है अपने क्रियाकलाप कर रहा है, द होल फंक्शनिंग इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ
प्राणवायु, ये प्राणवायु जब तक इसमें नियुक्त है तभी तक ये शरीर के सारे अंग, सारी गतिविधियाँ अपने कामों में प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार ऑपरेट हो रही है, चल रही है। जैसे ये प्राणवायु निकल गया, आया नहीं दोबारा, ये जो प्राण निकल गया यानी कि प्राणवायु निकल गया, तो फिर ये शरीर खत्म, शरीर खत्म। तो ये तो प्राण वायु निकला, तो जीवात्मा के कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया इसमें, इसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? प्राण वायु ही निकला ना, क्योंकि जब प्राण वायु प्रवेश किया, उसके लंग्स डेवलप हो गए, तब से उसका हिलना डुलना भी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जब ये निकल गए तो सारे हिलना डुलना भी बंद हो गया। और उसके पहले जब अंग्स डेवलप हो रहे थे तो माँ के गर्भ में प्रकृति की व्यवस्था कौन सा रो डेवलप हो रहे थे, जब उसका अपना डेवलप हो गया तो अपना श्वास की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया उस शरीर का, एक स्वतंत्र रूप से श्वास गई तो खत्म भी हो गया। तो ये प्राणवायु है, तो ये प्राणवायु को हम प्राण इसलिए कहते हैं कि जब तक ये प्राणवायु की आवागमन है शरीर में, तब तक आप समझ सकते हैं कि आपकी जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के लेवल पे आप जीवन को महसूस कर सकते हैं। ये प्राणवायु गई तो खत्म। तो इसमें जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की बात कहाँ से आ गई, बताइए आप लोग मुझे, अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं तो जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा ये सब बातें कहा हूँ। हालांकि उस वीडियो में मैंने इसलिए कहा है कि बहुत सारे शास्त्रों में कहीं जीव कहा गया, फिर उसी जीव को कभी जीवात्मा कहा गया, फिर उसी जीवात्मा को कभी इंडिविजुअल आत्मा कहा गया है, कोई परमात्मा का अंश कहा गया है, फिर कोई उपनिषदों में देखेंगे तो आत्मा को ही परमात्मा माना गया है, परमात्मा को ही आत्मा माना गया है, कि उसी आत्मा को परमपिता परमेश्वर माना गया है, ईश्वर माना गया है, कृष्ण माना गया है, परम शिवा माना गया है, अनेक नामों से पुकारते हैं। पूरे जो ब्रह्मांड में कहीं भी जितनी भी पृथ्वी हो, जहाँ पे भी इस तरीके से जीवन है, क्रिएचर्स है, देहधारी जीव, वो सब उसी को पुकारते हैं जहाँ से वो आए हैं और वहीं जाना भी चाहते हैं। जो जहाँ से आया हुआ है वहाँ उसका ये नैसगर्गिक है, मतलब नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है कि वो वहीं वापस जाना चाहता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है, इसलिए मैंने उस वीडियो में ये क्लियर किया था। अब रही बात तो हम किस आत्मा, किस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो जब हम आत्मा कहते हैं यानी कि ये जो समग्र चेतना है, जो आपके कल्पनाओं से परे चेतना जो है, अव्यक्त स्थिति, व्यक्त स्थिति, समग्र, द टोटलिटी, द टोटल कॉन्शियसनेस, जैसे आकाश है, ये पूरे जो आकाश है इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आकाश के अंदर ये ब्रह्मांड पल रहा है ना, जैसे एक स्त्री के गर्भ के अंदर एक छोटा सा जीवन बड़ा हो रहा है, पल रहा है शुक्राणु स्त्री के गर्भ में, इसी तरह से ये आकाश के अंदर ये ब्रह्मांड पल रहा है। तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, बहुत सारे फंक्शंस, ऑपरेशंस, डिस्ट्रक्शंस, क्रिएशंस चलती रहती है। तो ये जो चल रही है, जो दिख रहा है, जो हम वैज्ञानिकों ने मान लीजिए कि मशीनों से जहाँ तक पता कर लिया वहाँ तक तो ठीक है, जो पता नहीं कर पाया वो उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो वो समग्र चीज़ों को लेकर एक साथ क्या कहा जाता है, उसको चेतना, परम चेतना। तो एक योगी अपने इस प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार जो शरीर मिला है, जो ब्रेन मिला है, इसके जरिए वो वहाँ तक प्रवेश कर जाता है, उस एम्प्टीनेस तक पहुँच जाता है। तो अब कौन से, जब हम जीव कहते हैं शरीर के अंदर जब जीव, तो जीव का तो कॉन्सेप्ट एक तो डायरेक्ट यहाँ पे भेनिस हो जा रहा है कि यहाँ तो प्राण तत्व की बात आ गई कि प्राण जब तक आवागमन है, प्राण निकला तो ये शरीर खत्म। तो हम कौन से जीव की बात कर रहे हैं भाई? कोई भी जीव की बात करें, आपका नाक बंद कर दिया जाए, श्वास ही नहीं आएगा, श्वास का आवागमन खत्म, तो शरीर थोड़ी देर में डेड बॉडी हो जाएगा। तो ये जो प्राण वायु है, ये पंच रूप में आपके शरीर में नियुक्त हुआ है, ये व्यक्त है उस। तो ये पंच वायु जिसे हम प्राण वायु, और वही प्राण वायु अपने आप को पंच जगह पर अपने आप को नियुक्त कर लिया है, जिसे हम एक प्राण वायु कहते हैं, जो प्राण वायु यहाँ से लेकर हमारे नाक का, इसका यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ से वो अभी भी कर रहा है, आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो। फिर एक उदान वायु है जो कि यहाँ से लेकर हमारे ब्रेन तक उसका आवागमन चल रहा है।
समान वायु है जो नाभि से लेकर यहाँ तक इसके आवागमन, अपान वायु हमारे यहाँ से नीचे के डिपार्टमेंट को देखता है, और ब्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त है जो कि सबको बैलेंस में करता है। अब वायु जब हम कहते हैं तो ये वायु के काम क्या है, ये जो मेरे हाथ मूव कर रहे हैं ये वायु की वजह से है। तो जहाँ भी गति हो रही है ब्रह्मांड में ये वायु की वजह से है। वायु को हम रजस भी कहते हैं, रजस यानी कि जो गति, कोई भी गति करवाने के लिए वायु का होना जरूरी है। तो यहाँ में लेटरिंग, पेशाब या जितने भी गैस रिलीज होना, जो कुछ भी होता है यह अपान वायु का, हमारे इससे निचले हिस्सों का काम होता है। इस तरीका से वो प्राण वायु अपने आप को पांच जगह में नियुक्त करके रखा हुआ है। तो एक एक वायु धीरे धीरे, जब मृत्यु होती है तो प्राण वायु निकली, प्राण वायु के बाद फिर आपका समान वायु, अब समान वायु के बाद आपका उदान वायु, लेकिन उदान वायु जब निकल गई तो वह व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता है। प्राण वायु समान वायु के निकलने के बावजूद भी कुछ प्रोसेस होती है कि वो शायद जीवित होने के चांसेस रहते हैं। उदान वायु निकल गया, उदान वायु निकल गया तो कभी भी वो व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता है। और अंत में धीरे से फिर उसका ब्यान वायु, अपान वायु, उसकी समाप्ति हो जाती है। तो इस पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जैसे जैसे वायु निकलने की प्रक्रिया अगला डेड बॉडी में कई मतलब घंटों तक चलती है, दिनों तक चलती रहती है, तब बॉडी का डिजोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का डिजोल्यूशन मतलब ये जो माँ का पेट में जो शुक्राणु गया गर्भ में अंडकोश में, तो वहाँ से जैसे ही उसके अन्न से पंचतत्वों से लेकर शरीर जैसे डेवलप हो गया, इसकी फिर डिजोल्यूशन हो जाएगा। डिजोल्यूशन मतलब उन्हीं तत्वों में फिर जाके ये मिल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो सारा खेल यहाँ पर प्राणवायु का है। प्राणवायु की आवागमन जब तक है तब तक ये शरीर एक्टिव है, चल रहा है। ये प्राणवायु निकल गया तो ये भी खत्म, लेकिन यहीं तक ये खत्म नहीं हो रहा है। अब प्राणवायु इसमें आ रहा है, किसमें, एक शरीर में आ रहा है। तो शरीर के जब डेवलप हुआ, तो अभी आप लोग बैठे हैं तो आपका नाक ऐसा क्यों डेवलप हुआ, आपकी आँख ऐसे क्यों हुए, आपके अंदर की जो चेतना है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस जो है, समझने की बुद्धि शक्ति जो है, मन जो है, जो विचार है, जो वृत्ति है, ये आपकी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, आपके संस्कार अलग है, आपके कैरेक्टर पर्सनालिटी अलग है, ये सब कहाँ से आते हैं। तो ये सब हमारे फोर फादर से, मान लो कि हजारों पीढ़ियों से आपके अंदर ये आ रहे हैं, हमारे संस्कार, हमारे कैरेक्टर, हमारे मेमोरीज। सिगमंड फ्रेड कहते हैं कि योर कॉन्शियस बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर अनकॉन्शियस मेमोरीज, इम्प्रेशंस एंड अर्ज। मतलब कॉन्शियस जो भी हम बिहेवियर करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसके पीछे कोई अर्ज होता है ना, कोई एक वृत्ति होती है जो हमें प्रोवोक करता है वो करने के लिए। तो ये हमारे अनकॉन्शियस जो मेमोरीज पहले से जो पड़ी है, जो इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं, जो अर्ज है, वो हमें प्रोवोक करते हैं कुछ ऐसे कॉन्शियस बिहेवियर करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि इसी आपका ये शरीर, प्रकृति में हर चीज़ सुसंगत है। सुसंगत यानी कि बहुत व्यवस्थित तरीके से, इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, इन सिस्टम, बिकॉज नेचर का जो सिस्टम है वो परफेक्ट है, एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑपरेटिंग, बीइंग क्रिएटेड एंड बीइंग मैनेज्ड इन द सिस्टम। तो ये हर किसी के अंदर अपनी व्यक्तिगत जो चेतना की लेवल होती है, बुद्धि के स्तर पे या टोटल जो उसकी चेतना, जैसे उपनिषदों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि मन बुद्धि अहंकार के समन्वय को चित्त कहा जाता है, और इन चारों को एक साथ जीव कहा जाता है। बात समझना, अब मैं जीव पे जो आ रहा हूँ, जीव क्या है उसको समझना। आप सेल से परे की बात कर रहे हैं हम, मन बुद्धि अहंकार के समन्वय को चित्त कहा जाता है एक साथ। इसमें कोई एक पर्टिकुलर सेल्स का कोई स्थूल से कनेक्शन नहीं है, थोड़ा आप सूक्ष्म में पकड़े आप, इसको जीव कहा जाता है, ये चेतना है। तो इसके एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत चेतना, इस व्यक्तिगत चेतना को कहा जाता है क्या, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को जीव या जीवात्मा। अब ये समझना है मुझसे, ये मेरी दृष्टि है, पहले तो आपको ट्रेलर दिया इधर से उधर, ध्यान से समझना है, इसको जीव कहते हैं। यही चेतना जो है प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार
कहाँ पे किस तरीका का देह धारण करने वाला है, क्या धारण करने वाला है, ये सारा प्रकृति का खेल है, सारे समष्टि मन का खेल है। तो क्या धारण करने वाला है वो अपने चेतना के बेस पर ही उसको उस प्रकार का घर, जगह, परिवार कुछ भी मिलने वाला है। तो जब वो चेतना देह को धारण करता है, लेकिन वो चेतना जो है संभोग करने से पहले, शुक्राणु रिलीज होने से पहले वो प्रकृति में विद्यमान होता है, तो वो चेतना ही आपके लिए एक कंपल्शन, आपके लिए एक फोर्स, एक अर्ज होता है। वो चेतना प्रकृति में, वो चेतना व्याप्त है, तो उसकी व्यवस्था से ही वो अन्न आप तक पहुंचना है, किससे अन्न आप तक पहुंचना है, किसके हाथों से बनना है, कब खाना है, कब संभोग करना है, कौन से पहुंचेगा, ये सूक्ष्म रूप से हर चीज़ की बहुत सूक्ष्म मैनेजमेंट होती है। इस तरीक़े से वो चेतना ही रहता है, और वो चेतना जब धारण करता है, पंच तत्वों को जब धारण करता है, तब धारण करते करते अंग डेवलप होते हैं, तब प्राण वायु और ये जो जीव हम जो कहते हैं सत, ये मन बुद्धि अहंकार के समन्वय जो चित्त चतुष्ट, इसको जब जीव कहते हैं, तो इसके जब ये शरीर धारण कर रहा, तो अब इस शरीर को रोकने के लिए, रखने के लिए वो प्राण वायु सहारा बनता है। मतलब ये चेतना को जो जो जीव हम कहते हैं, इसको ये शरीर को चलाने के लिए, एक्ट करवाने के लिए, क्रिया प्रतिक्रिया करवाने के लिए प्राणवायु की जरूरत है। तो प्राणवायु के सहारा ही ये जो जीव है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के एक दूसरे के सहारा से ही शरीर आगे बढ़ता है, उठता है, बैठता है, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करता है। यानी ये जीव ही, ये शरीर, अगर जीव नहीं है, वो चेतना नहीं है, अगर शरीर धारण नहीं हो रहा, तो प्राणवायु के प्रवेश की कोई सवाल ही पैदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो एक शरीर को रखने के लिए प्राणवायु, तो वो जो चेतना है, शरीर धारण किया तो उसके सहारा ही। तो जैसे प्राणवायु निकलता है, शरीर डिजॉल्व हो जाता है, तो आपके जो भी अंदर जो संस्कार, जो मेमोरीज, जो चेतना डेवलप हुई थी, वो भी प्रकृति में रह जाती है, उसका तो नाश नहीं होगा, उसकी कैसे नाश होगा। इसी को समझाने के लिए तो भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा कि तुम्हारे बाल के अगला भाग को 10,000 टुकड़े किए जाए, तो उसके जो एक भाग है, 10,000 में से जो एक टुकड़े, उससे भी सूक्ष्म वो जीवात्मा का आकार है, वो भी एक निराकार ही है। तो इतनी सूक्ष्म चीज को आप कैसे समझेंगे, तो उसका तो नाश नहीं होता है। नाश तो कोई भी चीज़ का नहीं होता, बस कंपोज्ड एंड डिकम्पोज्ड, कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन, बॉडी कंपोज्ड है, डिकम्पोज रहेगा, जिन चीज़ों से कंपोज्ड हुई है उन्हीं चीज़ों में फिर वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो मन बुद्धि अहंकार, जिसमें चित्त के अंदर जो भी संस्कार पड़े हुए थे, जो भी कार्मिक अकाउंट्स के लेवल पे जो भी इंप्रेशंस पड़े हुए थे, जो चेतना डेवलप हुई थी, ये तो रह जाएंगे। ये चेतना फिर से कहीं ना कहीं समष्टि मन में कुछ धारण करेगी, अपनी चेतना के स्तर जो है उस पे। अब वो चेतना किस जरिए, कहाँ पे, किस तरीके से फॉर्म में आने वाली है, अन्न के द्वारा, अन्न से रक्त के द्वारा, रक्त से सेल्स के द्वारा, सेल से कौन से एम्ब्रियो, कौन से प्रवेश करना है, कहाँ पे, किस तरीके से, ये तो प्रकृति की अति सूक्ष्म व्यवस्थाएं हैं। जैसे शरीर, तो प्राण वायु का जरूर, अब जीवधारी को प्राण वायु की जरूरत पड़ेगी। अब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन हमें यह भी पता करना चाहिए कि ऑक्सीजन कैसे पैदा हो रहे हैं। तो आप लोगों को यह भी पता है कि ऑक्सीजन, हाउ इज ऑक्सीजन मेड अप। तो ऑक्सीजन जो है अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जैसे प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, उसको सनशाइन मिल रहा है, वाटर, सनशाइन और वाटर से एक प्रोसेस होकर गुजरते हैं, जिससे वो शुगर जो कि एनर्जी क्रिएट करते हैं, शुगर और ऑक्सीजन। तो ये जो जो प्लांट से क्या इनपुट ले रहा है, वाटर एंड सनलाइट,
and that again converts this into the energy called, you can say, sugar, which is the food for the tree. तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, 78% ऑक्सीजन, 21% के कम्बिनेशन से पूरे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर इस तरीके से है. तो हमारे मन में ऐसे भी सवाल पैदा हो जाते हैं कि ऑक्सीजन जब हम ले रहे हैं अंदर, तो इसी को तो हम प्राणवायु कहते हैं. तो ये समझना है, ये जो ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अब कोई होगी तो ज़मीन के अंदर 40 साल, 20 साल, 4 दिन, 5 दिन तक रहते हैं, जहाँ ये जो बाहर का ऑक्सीजन है जहाँ पहुँच ना पाए तब भी रहते हैं. तो अब ये सवाल मैंने इस पर जब ध्यान दिया तो ऑक्सीजन क्या सिर्फ यही पृथ्वी पर ही अवेलेबल है या पृथ्वी के बाहर ऊपर भी कहीं है अवेलेबल? पृथ्वी के ऊपर तो नहीं मिलेगा आपको. अब जहाँ पेड़ पौधे हैं, पानी है, सागर में मोर देन 50% ऑक्सीजन तो वहाँ से आते हैं. H2O पानी आप लोगों को पता ही है, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन एक. तो ये ऑक्सीजन जो है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ उन क्या मिलेंगे आपको? चार चीज, IOSM, I means iron, O means oxygen, S means silicon और M means magnesium. ये चार चीज़ हमारे अर्थ के नीचे भी है, इंटीरियर पार्ट में भी है. और ये प्रकृति की व्यवस्था, जो दो आँख, ये लिप्स, नाक, ये जो भी आपको मिली हुई है, इसमें प्रकृति ने ये भी व्यवस्था डाल के रखी है कि तुम स्वयं को जान भी सकते हो कि तुम्हारी ओरिजिन क्या है. तुम अपनी ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना, सेल के, खाना पीना, रक्त के, इससे उठकर तुम मन बुद्धि अहंकार को समझ सकते हो. मन बुद्धि को अहंकार को समझने से परे तुम समष्टि मन तक, समष्टि मतलब यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्स ऑपरेट हो रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, वहाँ तक पहुँच सकते हो तुम, जगत मन जिसे हम कहते हैं. और उसके परे जो प्योर कॉन्शियसनेस है तुम वहां तक पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो सोर्स है वही है. आज आपके पास कुछ भी यहां पर है उसके तो सोर्स है ना कहीं ना कहीं. वट एवर यू हैव टूडे, ये कहीं से तो आया ना, इसका सोर्स कुछ है. तो प्रकृति ने ये व्यवस्था डाल के रखी है कि आप जान भी सकते हो. तो जब कोई एक योगी, एक ध्यानी जब ध्यान करते करे सारे चक्र वगैरह जागृत होते हैं, जैसे योगिक सिस्टम में कहा जाता है 114 चक्रज आर देयर, ये चक्रस के एक डिवाइस है. तो चक्र खुलने के साथ साथ वो प्रकृति के सूक्ष्म चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उन चीज़ों से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. उसके अंदर की सारे दरवाजा खुल जाते हैं बाकी शक्तियों को समझने का और प्रवेश करने के लिए. तो उसके द्वारा प्रवेश करने लगती है वो समझ शक्ति, इनसाइट, विजडम, नॉलेज जो प्रकृति में है. ऑल द डोर्स आर ओपन इन हिज हार्ट फॉर अदर पावर्स टू एंटर, पावर इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, विजडम, वॉट एवर यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये स्थूल से वो सूक्ष्म तक चला जाता है, सूक्ष्म चेतन तक चला जाता है. बॉडी कॉन्शियस से हटकर, सेल्स, रक्त, मांस, ये सब से हटकर वो सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार की बात करने लगता है कि ये सब कहाँ से आए. अब इसके परे की अवस्था और वो जानना चाहने लगता है कि ये सब आया कहाँ से. तो इस तरीका से जानते 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 पहले के ऋषि मुनियों ने इसे ध्यान करते करते करते, योगियों ने ध्यान करते करते, एक बहुत सुंदर आप लोगों ने संख्या दर्शन का नाम सुनेगा, बहुत सिस्टमेटिकली उसमें भी साइंटिफिकली बताई गई है इन चीज़ों को. उसमें कहते हैं पुरुष और प्रकृति, यानी पुरुष जो है प्योर कॉन्शियसनेस जिसे आत्मा भी कहा जाता है, और प्रकृति यानी कि सत, रजस, तमस, ये जो तीन गुण, और ये भी अव्यक्त की अवस्था में रहती है. ये भी जड़ पदार्थ प्रकृति है. तो ये सूक्ष्म रूप में रहती है, तो इनसे ही जब सृष्टि बनती है तो इनसे इनसे प्रक्रिया स्टार्ट होती है. उसके बाद बुद्धि तत्व, उस बुद्धि तत्व से, और वो बुद्धि तत्व का भी ये प्रकृति सत रजस तमस जो है ये अहंकार का ही है. जैसे एक बीज के ऊपर जो छिलका छिलका रहता है, तो उसी तरीका से मान लीजिए वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर में सत रजस
सत रजस तमस का एक छिलका के बराबर आवृत कर लेता है, उसको आवरण ढका हुआ रहता है। फिर उससे उत्पन्न हुआ जैसे अहंकार, तो उसको भी वो आवरण लग गई। अहंकार से फिर उत्पन्न होते चले गए जैसे कि मन, इस पर भी हम कभी बहुत डीप में बात करेंगे। मन अति इंद्रिया, फिर पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच तन्मात्राएँ, पंच तन्मात्राएँ से फिर पंच महाभूत, पंच महाभूत से फिर ये दृष्टि जो जगत आप देख रहे हैं, पंच महाभूत फाइव एलिमेंट्स, जिसमें ये जो सृष्टि आज है, ये सृष्टि कई करोड़ों करोड़ों सालों तक बहुत प्रक्रिया से गुजरी है, विकास की प्रक्रिया से गुजरी है। जिस तरीका से एक शुक्राणु जब स्त्री के गर्भ में जाता है तो विकास की बहुत प्रक्रिया से गुजर कर एक दिन माँ के पेट से बाहर आता है और बड़ा होता है। बड़ा होकर जो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से फिर वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से फिर संध्या काल की अवस्था, फिर वो खत्म हो जाता है उसका शरीर। इसी प्रकार से ये प्रकृति भी एक अवस्था से गुजरती हुई आती है और प्रकृति भी एक दिन खत्म हो जाती है। तो इस विकास की प्रक्रिया से प्रकृति गुजरती हुई आ रही है, आ रही है, आ रही है। जिस क्षण ये बहुत सारे विकास की प्रक्रिया से गुजर रही थी, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों के यहाँ पे फेर बदल, अनुपात चेंज हो रहे थे, जिससे अलग अलग चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है, अलग अलग शक्तियों की उत्पत्ति हो रही है। इस तरीके से केमिकल का रिएक्शंस एंड एक्शंस एंड रिएक्शंस से अनंत चीज़ें इस पर उत्पन्न होने लगी, फैलने लगी। आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये सब ग्रह नक्षत्र अपने अपने पोजिशन में आने लग गए। उसी में से एक हमारी गैलेक्सी जो है, जो अर्थ, अब अर्थ पे अब जल के कारण ये सब बैठे हैं, बात करें सूर्य के कारण। अगर सूर्य कल से उगे ही ना, अगला कुछ